कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि वर्गीकरण होना चाहिए तो वर्गीकरण होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी ये बात को हमने कैबिनेट में शेयर किया था। इसलिए आज का बंद उन लोगों का अनैतिक है। उन लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारे परिवार, हमारा छोटा भाई किस गुरुवत में है, उसको लोग देखे। भारत बंद का आह्वान करने वाले स्वार्थी तत्व है, ये हमारा नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी झा। देखिए, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण पर क्रीमी लेयर और कोटे में कोटे का प्रावधान किया और इसी के खिलाफ SC ST के संगठन के जितने भी लोग हैं वो आज सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी प्रदर्शन के बारे में जब जीतन राम मांझी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत बंद करने का आह्वान करने वाले स्वार्थी तत्व हैं। देखिए, NDA के एक घटक दल चिराग पासवान की पार्टी LJPR ने भी इसका नैतिक समर्थन किया है। ऐसे में जीतन राम मांझी का इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो बिना नाम लिए चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। पहले हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है जीतन राम मांझी का। सर, आज भारत बंद था सर। देखिए, भारत बंद का जो आह्वान जो लोग किए हैं वे सब स्वार्थी तत्व हैं। स्वार्थी तत्व इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। छोटे भाई की प्रगति नहीं हो ऐसा चाह करके वो चाहते हैं कि 100 में 100 का लाभ हम ले लें। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि समय की नाजुकता को देख करके हम लोगों में वर्गीकरण की बात किया। जैसे किसी घर में 4 भाई होते हैं, आपस में नहीं पटता है तो संसाधनों का बंटवारा कर लेते हैं और गोतिया के रूप में बढ़िया से रहते हैं। आज उसी प्रकार से हम चाहते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वर्गीकरण होना चाहिए कि जो समाज 76 वर्ष आज़ादी के बाद भी आज उसका विकास नहीं हो सका है उसको अलग व्यवस्था होनी चाहिए। और जो 76 वर्ष में शेड्यूल कास्ट आरक्षण का लाभ लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, फॉरेन सर्विसेज में, राजदूत में, MLA में, पार्लियामेंट के मेंबर बन करके लाभ लिया है जो 90% से ज़्यादा है। शेड्यूल कास्ट को जितना सुविधा मिली सुविधा है वो सबका 90% वही 2-4-5 जातियाँ मिल करके ले लिया है। बाकी जो 18 जातियाँ बिहार के स्तर में वो आज हाशिए पर है, मात्र 5% या 7% लाभ मिला है। तो ये न्याय नहीं है, ये अन्याय हुआ है और ये स्वार्थ की बात नहीं है, ये एकदम गैर स्वार्थ की बात है। तो ऐसे तत्व जो आज बंद का नारा दिया है सब स्वार्थी है। और मैं कल ही 18 जातियों का एक बैठक करके आया था, हम लोगों से मना किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि वर्गीकरण होना चाहिए तो वर्गीकरण होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी ये बात को हमने कैबिनेट में शेयर किया था। इसलिए आज का बंद उन लोगों का अनैतिक है। उन लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारे परिवार, हमारा छोटा भाई किस गुरुवत में है, उसको लोग देखे। तो इसलिए किसी भी तरह से आज के भारत बंद का कौल को हम अच्छा नहीं समझते हैं, इसको अनैतिक और स्वार्थी आंदोलन करार देते हैं। धन्यवाद सर। तो देखिए, जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा है कि भारत बंद का आह्वान करने वाले स्वार्थी तत्व है और अब इसको चिराग पासवान से भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि चिराग पासवान ने भारत बंद का नैतिक समर्थन किया और अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर भी पोस्ट किया। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।